एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहां एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको खाने के लिए कुछ फ्रूट दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। स्टोरी भी सुने और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। एक दिन हाथी आया लेकिन दर्जी ने इसको फ्रूट की बजाय सुई चुभा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया लेकिन उसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी और उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी ये सब देखकर रोने लग गया।